गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ आनंद लोधी, बीएससी नर्सिंग ट्यूटर इन नर्सिंग इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट ड्रग इन ऑप्स। ऑप्स में क्या क्या ड्रग यूज़ होती है। फर्स्ट अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। ड्रग यूज इन ऑब्स्टेट्रिक्स हैव ए हार्ड इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ बोथ मदर एंड बेबीज। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ड्रग यूज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैन प्रोड्यूस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड द पीरियड ऑफ डेटेड रिस्क इज फ्रॉम ए थर्ड टू 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ड्रग कैन अफेक्ट द ग्रोथ एंड फंक्शन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस और दे कैन हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन फीटल टिश्यू, है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या क्या ड्रग यूज होती है। ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी। लिस्ट ऑफ ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी आर फॉलिक एसिड यूज करते हैं, आयरन की टेबलेट यूज करते हैं, कैल्शियम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, डायरेटिक देते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट फॉलिक एसिड प्रिपरेशन। फॉलिक एसिड है ना प्रिपरेशन। इंजेक्शन 10 ml वायल में 5 mg होता है विथ 1.5% बेंजील एल्कोहल होता है, है ना। देन टेबलेट में ओरल फॉर्म में देखेंगे 0.4 mg एंड 0.8 mg एंड 1 mg होता है, है ना, टेबलेट फॉर्म में। एक्शन देखेंगे इसका। एक्शन में ये क्या करता है, स्टिमुलेट नॉर्मल एरिथ्रोप्रोसिस एंड न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस, है ना, ये जो इस पर काम करता है। इंडिकेशन देखेंगे इसका, मेटाबोलिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट फीटल डैमेज, है ना। सेकेंड पॉइंट देखेंगे इसका, प्रिवेंट फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है इसका, अल्टरेटेड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, है ना। एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, अब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, डायरिया हो सकता है, रेसेस हो सकते हैं, है ना, इरेटेबिलिटी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, है ना, और ब्लोटिंग, है ना। डोज एंड रूट देखेंगे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, 0.4 mg और 400 mg OD ओरल चलाते हैं, है ना। देन 0.4 एंड 8 mg IM और रूट इसकी होती है सबक्यूटेनियस देते हैं इसको, है ना। नर्सिंग देखेंगे, नर्सिंग कंसिडरेशन में क्या क्या होता है ना, पेशेंट विथ उसकी जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी शुड इंक्रीज फॉलिक एसिड इनटेक 1 month बिफोर एंड 3 month आफ्टर कंसेप्शन, है ना। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, पेशेंट विथ इंटेस्टाइनल माल ऑब्जर्वेशन, है ना, मैन नीड पेरिटल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। देन आयरन की देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, इच 100 mg प्रोवाइड 33 mg एलिमेंटल आयरन और टेबलेट होती है 90 mg, 200 mg, 300 mg, 3 to 5 mg, 350 mg में होती है। एक्शन क्या होता है इसका वो देखेंगे। एक्शन होता है इसका, प्रोवाइड एलिमेंट्स मेंटल आयरन एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। इंडिकेशन में क्या है इसके, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है ना, ए सप्लीमेंट ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, प्राइमरी हेमोलाइटिक एनीमिया, पेप्टिक अल्सर डिसीज,
अल्सेप्टिव कोलाइटिस है ना, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है ना, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, मेटालिक टेस्ट करवाते हैं, टेम्परली स्टेनेंट टीथ, नोजिया और वॉमिटिंग, जीआई इरिटेशन, बैक ब्लैक स्टूल, डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, 30 mg की होती है ना, ओडी ओरली देते हैं है ना, इंजेक्शन फॉर्म में देखेंगे, 200 mg का एलिमेंटल आयरन ml इन 5 ml एंड 10 ml सिंगल डोज की वायल आती है ना, देन डोज 50 mg बॉडी 50 mg पर kg बॉडी वेट और मैक्स 100 mg इन सिंगल इंजेक्शन IM रूट में देते हैं, डाइल्यूटेड इन विथ 10 ml NS फॉर IV। अगर IM अपन देते हैं तो है ना सिंगल डोज और डाइल्यूट करके देते हैं तो 100 ml की NS में IV देते हैं। नर्सिंग देखेंगे, नर्सिंग कंसिडरेशन एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड टेकिंग टेबलेट विथ मिल्क और अलोंग विथ एंटासिड है ना, इसको दूध के साथ देंगे और इसका इसके साथ एंटासिड भी देंगे है ना। काउंसन पेशेंट और क्रस टेबलेट है ना, काउंसल पेशेंट नोट टू सबस्टिट्यूट है ना, ठीक है, सबस्टिट्यूट ऑन आयरन साल्ट फॉर अनादर बिकॉज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स सॉरी एलिमेंटल आयरन में एवरी है ना, एडवाइस पेशेंट टू रिपोर्ट फॉर कंस्टिपेशन फॉर चेंजेस इन स्टूल कलर है ना। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे कैल्शियम एंड कैल्शियम सिट्रेट प्रिपरेशन, इच टेबलेट कंटेंट 211 mg और 10.6 mq ऑफ एलिमेंट्स कैल्शियम, टेबलेट 250 और 500 mg में अवेलेबल होती है ना। एक्शन देखेंगे, रिप्लेस कैल्शियम एंड मेंटेन द कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। इंडिकेशन देख लेंगे सप्लीमेंट है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे है ना, कैंसर पेशेंट विद बोन मेटाटेसिस, हाइपर कैलेमिया, हाइपोफास्फोटेमिया, रेनल कैलकुलाई है ना। देन अपन एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, हेडेक हो सकता है ना, इरिटेबिलिटी हो सकती है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है, चेकली टेस्ट, नोजिया और वॉमिटिंग, डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन 500 mg की ओडी ओरली आती है ना। नर्सिंग कंसिडरेशन देखेंगे, एडवाइस पेशेंट टू टेक ओरल कैल्शियम 1 or 1.5 hour आफ्टर मील्स है ना, इफ GI अपसेट अकर्स, मॉनिटरिंग कैल्शियम इन इन द पेशेंट हैविंग माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट है ना। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका, एडवाइस पेशेंट टू रिपोर्ट फॉर एनी काइंड अब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग और नोजिया अकरिंग है ना, एडवाइस करेंगे पेशेंट को है ना कि कुछ भी होता है तो इन्फॉर्म कराएं है ना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, नेक्स्ट अपन देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हेयर आर द चॉइस ऑफ ड्रग गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर होता है इसमें, लेबेटालोल हाइड्रोक्लोराइड होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ब्लॉकर एंड नेफिडिपिन है ना। थर्ड पॉइंट देखेंगे, अल्फा ब्लॉकर मेथाइल डोपा है ना। देन फोर्थ देखेंगे, वैसोडाइलेटर हाइड्रोजाइन हाइड्रोक्लोराइड है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग
कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। दिस ड्रग शुड बी अवॉइडेड बिकॉज देर मैनी कैन कॉज पुअर फीटल रीनल फंक्शन माल फॉर्मेशन और कैन कॉज IUGR, है ना। देन ACE, फर्स्ट देखेंगे ACE इनिबेटर होता है ना, मिनोक्सिडिल होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है, डाइटीजेम होता है, एल्टेनॉल होता है, प्रोपोनॉल होता है ना। देन अपन देखेंगे लेबेटा लोल हाइड्रोक्लोराइड, प्रिपरेशन क्या है, इंजेक्शन में 5 mg होता है इन ML और 20 ml वायल होती है ना। टेबलेट में क्या होता है, 100 mg, 200 mg और 300 mg। एक्शन क्या क्या होता है इसका, रिड्यूस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर होता है ना। इंडिकेशन में क्या होता है, हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज है ना। कॉन्ट्री इंडिकेशन देखेंगे, हाइपर सेंसिटिव टू ड्रग और इट कंपोनेंट, ब्रोंकियल अस्थमा, हेप्टिक और हार्ट फेलियर, प्रोलोंगेड हाइपरटेंशन, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है ना। एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, डिजीनेस, फटीक, नोजिया और वोमिटिंग, हेडेक, वर्टिगो, ये सब हो सकते हैं ना। डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अब डोज और रूट देखेंगे उसकी, 50 mg और 100 mg की टेबलेट होती है, ओडी देते हैं ओरली है ना। 20 ml इच 20 ml इंजेक्शन इन बोलस, वेट फॉर 10 मिनट, इफ नो रिस्पॉन्स देन गिवन 400 mg स्लोली बोलस। 20 mg देते हैं अगर फिर 10 मिनट तक वेट करते हैं, देन अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता है तो रिपीटेड डोज करते हैं 40 mg स्लो बोनस के बोलस देते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन देखेंगे, कंसिडरेशन एडवाइस पेशेंट टू रिमेन इन सुपाइन पोजिशन फॉर 3 hours आफ्टर इन्फ्यूज़न है ना। देने के बाद सुपाइन पोजिशन देते हैं है ना, BP मॉनिटरिंग करते हैं है ना। इन डायबिटिक पेशेंट मोनिटर ग्लूकोज लेवल क्लोजली है ना, ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं है ना। एडवाइस पेशेंट दैट डिजीनेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय राइसिंग स्लोली एंड अवॉइडिंग सडनली पोजिशन चेंज है ना। देन निफेडिपिन है ना, प्रिपरेशन देखेंगे, कैप्सूल में आती है 10 mg एंड 20 mg, टेबलेट में आती 20 mg, 30 mg, 60 mg और 90 mg। देन एक्शन देखेंगे, थ्रो टू इनिबिट कैल्शियम आयरन आयरन रिफ्लेक्स अक्रॉस कार्डियक एंड स्मूथ मसल सेल्स, डिक्रीज कॉन्ट्रासिटिलिटी एंड ऑक्सीजन डिमांड एंड आल्सो डायलेटेड आर्टरी एंड आर्टरोस है ना। इंडिकेशन देखेंगे, हाइपरटेंशन क्लासी देन देखेंगे क्लासिक क्रोनिक स्टेबल एंजिना और पेक्टोरिस है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, सीवियर GI नॉरोविंग हो सकता है। एडवाइस इफेक्ट देखते हैं इसका, एडवर्स इफेक्ट देखते हैं इसका, डिजीनेस, साइनोकॉप, हार्ट फेलियर, मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेरिफेरल एडिमा हो सकता है ना। डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, 5 to 20 mg ओडी ओरली देते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन देखेंगे, BP मॉनिटरिंग करेंगे, HR रेगुलरली देखेंगे। एडवाइस टू पेशेंट अवॉइड टेकिंग दिस ड्रग ग्रेप फ्रूट्स जूस है ना। वॉच फॉर सिम्टम फॉर हार्ट फेलियर, एडवाइस पेशेंट इफ चेस्ट पेन वर्सन
इमिडिएटली रिपोर्ट टू डॉक्टर, है ना। अगर चेस्ट पेन या कुछ भी होता है तो इमिडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। मिथाइल डोपा, है ना। देन प्रिपरेशन देखेंगे इसकी, है ना। टेबलेट के फॉर्म में होता है 250 और 500 mg में, इंजेक्टेबल होता है 50 mg में। एक्शन क्या होता है इसका देख लेते हैं। इनहिबिट द सेंटर वैसोमोटर सेंटर, डिक्रीज एंड सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू हार्ट, किडनी एंड पेरिफेरल वास्कुलेटर, है ना, वास्कुलेटर। देन इंडिकेशन देखेंगे हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे हेपेटिक डिसीज और लीवर सिरोसिस, लैक्टिंग मदर, है ना। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट देखेंगे डिक्रीज मेंटल एक्यूटी, सेडेशन, हेडेक्स और डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, हेपेटिक नेक्रोसिस, हेपेटाइटिस, है ना, यह सब चीज़। एंड देन डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन 250 BD TDS मैक्स 2 mg डेली टाइट्रेटेड बाय BP, है ना। नर्सिंग कंसिडरेशन देखेंगे BP मॉनिटरिंग करना है रेगुलरली, मॉनिटर पेशेंट कम टेस्ट टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट फॉर इनवॉलेंट्री मोमेंट, टेल पेशेंट टू चेक वेट डेली एंड नोटिफाई इफ ही जेंस 2 or more pounds इन ए वीक, है ना। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे हेड्रालजाइन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रालजिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रिपरेशन देखेंगे इंजेक्शन 20 mg में होता है, 1 ml की वायल होती है, है ना। टेबलेट के फॉर्म में 10 mg, 25 mg, 50 और 100 mg में होता है। एक्शन क्या होता है डायरेक्ट एक्टिंग पेरिफेरल वैसो डायलेटर होता है दैट रिफ्लेक्स रिलैक्स आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स। इंडिकेशन देखेंगे हाइपरटेंशन, सीवियर एसेंशियल हाइपरटेंशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, रोमेटिक हार्ट डिसीज, शॉक, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट हो, है ना। देन एडवर्स इफेक्ट देखेंगे लियोट्रोपिनिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, है ना। देन डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे 25 mg की टेबलेट होती है, BD इन नेसेसरी मैन बी इंक्रीज टू 50 mg BD, है ना। 5 mg में डाइल्यूटेड इन 10 ml NS स्लो IV 15 से 20 मिनट में इंट्रावेनस देते हैं, ना, है ना। देन नर्सिंग कंसिडरेशन देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे मॉनिटरिंग पेशेंट BP, पल्स रेट, बॉडी वेट, फ्रिक्वेंटी और मॉनिटर पेशेंट फॉर मसल्स एंड जॉइंट पेन, फीवर, थ्रोट पेन एंड एडवाइस पेशेंट टू टेक ड्रग आफ्टर फूड टू इंक्रीज अबोपेशन, है ना। डायरेटिक ड्रग देखेंगे एंटी डायरेटिक, डायरेटिक आर यूज फॉलोइंग कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, PIH विद मैसिव एडिमा, है ना, एक्लेम्सिया विथ पर्मोनरी एडिमा, सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी विथ हार्ट फेलियर, प्रियर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर एनीमिया, एस एंजेक्ट टू क्रेटिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, है ना। फ्रोसामाइड लेसिक्स प्रिपरेशन देखेंगे 10 ml की इंजेक्शन में 10 mg एच एम एल में आता है ना। टेबलेट देखेंगे 240
सॉरी 20 mg, 40 mg, 80 mg और 500 mg में आती है। एक्सन इनहेबिट्स सोडियम एंड क्लोराइड रेड सोप्शन एट प्रोक्सीमल एंड डिस्टल ट्यूबलेस एंड लुक ऑफ हैंड। इंडिकेशन देखेंगे एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, एडिमा एंड हाइपरटेंशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे एनोरिया, हेप्टिक सिरोसिस, एलर्जी टू सल्फोनामाइड्स, है ना। एडवर्स इफेक्ट देखेंगे मेटेनल वीकनेस, फटीग, मसल्स क्रैम्प्स, है ना, हाइपोकैलेमिया, फीटल में। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फीटल में अकर ड्यू टू डिक्रीज लीडिंग टू फीटल कंप्रोमाइज, हाइपोनेटेमिया, है ना। डोज एंड रूट देखेंगे इसकी, 40 mg की टेबलेट होती है डेली फॉलोइंग ब्रेकफास्ट, है ना। इन एक्यूट कंडीशन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेट प्रिवेंटली इन द डोज 40 to 120 mg डेली, है ना। नर्सिंग कंसिड्रेशन देखेंगे बीपी मॉनिटरिंग, पल्स रेट रूटीन फॉर लॉन्ग टर्म यूज, है ना। मॉनिटरिंग पेशेंट इनपुट आउटपुट चार्टिंग करेंगे, है ना। वॉच द साइन फॉर हाइपोकैलेमिया, स्विच एस मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स। मॉनिटर यूरिक एसिड इफ पेशेंट इज हैविंग गॉट। एडवाइज द पेशेंट टू टेक ड्रग इन द मॉर्निंग आफ्टर फूड। एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड सनलाइट, प्रिवेंट फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है ना। टोकोलाइटिक एजेंट दिस ड्रग, नेक्स्ट अपन देखेंगे टोकोलाइटिक एजेंट। दिस ड्रग कैन इनिबिटर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूज टू प्रोलोंगेट द प्रेगनेंसी इन वुमेन हु डेवलप प्रीमैच्योर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन इन एडिशन टू पुटिंग देम टू अब्सोल्यूट बेड रेस्ट सेडेटिंग एंड टोकोलाइटिक ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेट इन एन अटेम्प्ट टू इनहिबिट यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। हेयर आर द ड्रग यूज आर एक्सोसुफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, राइट्रोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, एक्सोसुफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड। देखेंगे प्रिपरेशन 10 mg टेबलेट में होता है, 10 ml इंजेक्टेबल में होता है, 10 mg HML, है ना। एक्शन देखेंगे एक डायरेक्टली ऑन वस्कुलर स्मूद मसल, कॉजेज कार्डियक स्टिमुलेशन एंड यूटराइन रिलैक्शन एंड थस पोजेसिंग रिलैक्सिंग द वेन एंड आर्टरीज एंड मेकिंग देम वाइट्स टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो क्रेटराइन पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। इंडिकेशन देखेंगे प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर इनिबिटर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपरसेंसिटिविटी पोस्टपार्टम, है ना, दो होते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं हाइपरटेंशन, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियक अर्थमेसिया और हाइपर ग्लेसमिया और हाइपोकैलेमिया हो सकता है। डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे इसकी, इनाइटल आईवी ड्रिप 10 mg में 5% डेक्सट्रोज, रेट 0.2 UG मिनट्स, है ना। टू कंटिन्यू एट लेटेस्ट 2 hours आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन केस, मेंटेनेंस IM 10 mg 6 early 24 hours फॉर टेबलेट 10 mg एंड 6 mg 8 hourly।
देन नर्सिंग इसका कंसिड्रेशन देखेंगे, असेस पेशेंट का बीपी पल्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, टेक बीपी लाइंग स्टैंडिंग एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंसिव इज कॉमन, मॉनिटर फॉर द इंटेंसिटी एंड लेंथ ऑफ यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड FHS है ना, फेटल हार्ट साउंड है ना। एडवाइस पेशेंट टू मेक पोजिशन चेंज, स्लो फेंटिंग माई अकर, रेट्रोडिन हाइड्रोक्लोराइड देखेंगे, प्रिपेशन में देखेंगे इसके 5 ml का एम्पुल होता है, 10 mg एच एम एल होता है, 50 mg पर एम्पुल में होता है ना, मतलब कि 1 ml में 10 mg होता है और टेबलेट में होता है 10 mg। एक्शन क्या करता है, एक्ट्स डायरेक्टली ऑन वस्कुलर स्मूथ मसल्स, कॉजेस कार्डियो स्टिमुलेशन एंड यूटराइन रिलैक्स है ना, यूटराइन को रिलैक्स करता है ना। देन इंडिकेशन देखेंगे, प्रिवेंट प्रीटर्म लेवर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, हाइपर सेंसिविटी हो सकती है, एक्लेम्सिया हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकती है और क्या हो सकता है, डायरेथेमिया हो सकता है ना। एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया, हेडेक, रेस्टलेसनेस और स्वेटिंग, चिल एंड ड्रॉविंगनेस, नोजिया, वोमिटिंग, अल्टरेट मेटरनल एंड फीटल हार्ट टोन, पालपेशन पालपिटेशन है ना। डोज एंड रूट देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नाइटल आईवी ड्रिप 500 mg, 5% एक्सट्रोज 0.1 mg मिनट, ग्रेजुअली इंक्रीज बाय 0.5 mg पर मिनट टू कंटिन्यू फॉर ए लेटेस्ट 2 hours आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन केसेस। मेंटेनेंस में देंगे टेबलेट 10 mg 6 to 8 hourly है ना, फिर 10 mg गिवन हाफ आवर बिफोर, फिर ट्राइमेस्टर आईवी, देन 10 mg 24 hours, देन 10 to 20 mg फोर्थ नॉट टू एग्जिटिंग 120 mg पर डेली। नर्सिंग कंसिडरेशन देखेंगे इसमें, असेस द मेटरनल है ना, फेटल हार्ट टोन ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न है ना, जब इन्फ्यूज़न चल रहा हो तो ये देखेंगे है ना, हार्ट टोन ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न, आल्सो इंटेंसिटी, लेंथ, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन है ना, यूटराइन का कॉन्ट्रैक्शन कितना है, मॉनिटर फ्लूड इंटेक, प्रिवेंट फ्लूड ओवरलोड, डिसकंटिन्यू इफ दिस अकर्स, एडमिनिस्टर ओनली क्लियर सॉल्यूशन आफ्टर डायल्यूशन 150 mg इन 500 ml D5 वाटर एंड NS, गिव एट 0.3 mg/ml बाय यूजिंग इन्फ्यूजन पंप, मॉनिटरिंग करेंगे केयरफुली है ना, पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल रिक्यूमबेंट पोजिशन टू डिक्रीज हाइपोटेंशन एंड इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, एडवाइस पेशेंट टू रिमेन इन बेड ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, ड्रग यूज इन लेवर, कौन कौन सी ड्रग यूज होती है अब लेवर में, हर आर ड्रग यूज इन लेवर आर ऑक्सोटोसिस, एनाल्जेसिक, एंटी कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट है ना, ऑक्सीटोसिस देखेंगे, ऑक्सीटोसिस क्या होता है, ऑक्सीटोसिस ड्रग देते हैं अपन लेवर के टाइम, ऑक्सीटोसिस ड्रग आर दैट हैव द पावर टू एग्जिटिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कराती है यूटराइन मसल्स को है ना, अमाउंट ए लार्ज नंबर ऑफ ड्रग बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, द वंस दैट आर इम्पोर्टेंट एंड एग्जिटेंसिवली यूज आर ऑक्सीटोसिन,
एर्गोट ड्रेवेटिवेस डर्विटिवेस है ना, प्रोस्टोग्लैंडिन देखेंगे, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इन ऑक्टोपेटाइड है ना, सिंथेसड इन द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन द पोस्टेरियल प्यूटरिटी प्यूटरिटी प्रिपरेशन देखेंगे, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन अवेलेबल और पेरेंटियल यूज इंक्लूड्स है ना, साइनोटोपिनोन 5 यूनिट है ना इच ml इन एम्पूल है ना, पेटोसिन 10 यूनिट इच ml एम्पूल में होता है 0.5 ml सॉरी, साइनोमेट्रिन है ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोटोनोन साइटोसिनोन सॉरी साइटोसिनोन ऑन 5 यूनिट एंड इरेग्नोमेट्रिन है ना 0.5 mg, ऑक्सीटोसिन नेजल सॉल्यूशन 400 mg यूनिट ml है ना, एक्शन क्या होता है, एक्ट्स डायरेक्टली ऑन मायोफ्राइलिस प्रोड्यूसिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट मिल्क इंजेक्शन बाय द ब्रेस्ट है ना, इंडिकेशन देखेंगे प्रेगनेंसी टू इंड्यूस अबॉर्शन लेबर टू एक्सिटेड एक्सप्लोजन हाइडेटी फॉर्म मॉल्स फॉर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉलोइंग इवैक्यूएशन लेबर देखेंगे आप टू एग्यूमेंट लेबर इन यूटराइन इंटेरिया टू प्रिवेंट एंड ट्रीट पोस्टपार्टम हेमरेज पोस्टपार्टम में देखेंगे टू इनिटियल मिल्क लेट डाउन इन ब्रेस्ट इंजोरमेंट है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे इन लेट प्रेगनेंसी ग्रैंड मल्टीपेरा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हिस्ट्री देखेंगे ऑफ एलएसीएस हिस्टोटोमी है ना, माल प्रिपरेशन प्रिपरेशन देखेंगे है ना ड्यूरिंग लेबर, अब देखेंगे ऑल कॉन्ट्रा इंडिकेशन मेंशनेड इन प्रेगनेंसी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इनकोऑर्डिनेट यूटराइन एक्शन एंड एनी टाइम हाइपोवोलेमिक स्टेट है ना, हाइपोवोलेमिक स्टेट कार्डियक डिसीज, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे इसका हाइपरटोनिक यूटराइन एक्टिविटी फीटल डिस्ट्रेस एंड फीटल डेथ है ना, यूटराइन रप्चर हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, न्यूनेटल जॉइंटिस हो सकता है, वाटर रिटेंशन वाटर इंटोकेशन हो सकता है ना, डोज एंड रूट देख लेते हैं इसकी, कंट्रोल आईवी इन्फ्यूज़न 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन इन 1 लीटर ऑफ आरएल 5% डेक्सट्रोज इन वाटर नेजल स्प्रे फॉर मिल्क लेट डाउन, नर्सिंग कंसिड्रेशन देख लेते असेस द पेशेंट इनपुट आउटपुट रेशो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बीपी पल्स रेस्पिरेशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय आईवी इन्फ्यूज़न आफ्टर हैविंग क्रैश कार्ट अवेलेबल इन द वार्ड एडमिट मतलब अवेलेबल है कि नहीं अपने पास क्रैश कार्ट में वो देख लेंगे, इवैल्यूएट पेशेंट लेंथ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड नोटिफाई फिजिशियन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग ओवर 1 मिनट और अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना, एर्गोट डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, एर्गोट अल्कोइड्स आर एदर नेचुरल और सेमी सिंथेटिक, प्रिपरेशन देख लेते हैं है ना, एर्गोमेट्रिन की 0.25 mg
और 0.5 mg एम्पूल होता है एंड 0.5 1 mg की टेबलेट भी होती है। मेथार्जिन देख लेते हैं, मेथार्जिन 0.2 mg का एम्पूल होता है, 0.5 और 1 mg टेबलेट होती है। साइंटोमेट्रिन इंजोमेट्रिन देख लेते हैं, है ना। 0.5 mg प्लस साइटोटॉक्सिनोन 5 यूनिट एम्पोल होता है ना। अब नोट देख लेते हैं क्या क्या होता है। इंजोमेट्रिन एंड मेथार्जिन मेथार्जिन कैन बी यूज पेरेंटियल और ओरल एज द प्रोड्यूस टेक्निक यूटराइन कॉन्ट्रकेशन। इट शुड ओनली बी यूज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द एंट्रिया, है ना। शुड शोल्डर ऑफ फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ बेबी। इट शुड नॉट बी यूज इंडक्शन ऑफ लेबर और अबोशन साइटोमेट्रिन शुड ऑलवेज ऑलवेज बी एडमिनिस्टर्ड IM, है ना। मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं इसका। एंजियोमेट्रियम एक्ट डायरेक्टली ऑन द मायोमेट्रियम। इट स्टिमुलेट यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज ब्लीडिंग, है ना, है ना। देन इंडिकेशन देख लेते हैं। थेरापीटिक टू स्टॉप द एटोनिक यूटराइन ब्लीडिंग फॉलोइंग डिलीवरी अबॉर्शन एक्सपोशन ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल। प्रोपोलेक्टिक्स देख लेते हैं। एज ए प्रोपोलेक्सिक एजेंट्स एक्सेसिव हेमरेज इट मे बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर विथ क्रॉविंग फॉलोविंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख देते हैं। सस्पेक्टेड प्लूरल प्रेगनेंसी, ऑर्गेनिक कार्डियक डिसीज, सीवियर प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया तो नहीं है, है ना, है ना। सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। राइज बीपी ड्यू टू वैस्को कॉन्ट्रैक्शन एक्शन, प्रोलॉन्ग्ड यूज टू प्यूरीपेनियम माय इंटरफेयर बाय डिक्रीज कॉन्सेप्ट्रेशन ऑफ प्रोलेक्टिन एंड जेजरीन जेजरीन ऑफ ट्वाइस ड्यू टू वास्को ट्रैक्शन, है ना। डोज एंड रूट देख लेते हैं। फॉर एक्टिव मैनेजमेंट फॉर थर्ड स्टेज ऑफ लेवर 0.2 mg टू बी गिवन IM। फॉर कंट्रोल ऑफ एटोनिक PPH, है ना। PPH क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना। पोस्टपार्टम हेमरेज 1 ampoule स्लोली ओवर द 60 सेकेंड मैन बी रिप्लेड आफ्टर 2 आवर्स, है ना। रिपीटेड करते हैं मतलब 2 घंटे के बाद। फॉर एक्सेसिव लोचिया एंड सब वॉल्यूशन 1 tablet 0.125 mg TDS फॉर 3 डेज। अब देख लेते हैं। नर्सिंग कंसंट्रेशन असेसिंग द BP पल्स रेस्पिरेशन साइन ऑफ हेमरेज एडमिनिस्टर ओरल IM डीप हैव प्रेगनेंसी कार्ड रेडिली अवेलेबल एवेलुएट फॉर डिक्रीज ब्लड लॉस एडवर्स पेशेंट टू रिपोर्ट फॉर इंक्रीज ब्लड लॉस अबडोमिनल क्रैम्प्स हेडेक स्वेटिंग नोजिया वोमिटिंग डिसिप्निया, है ना। प्रोजो स्टेलेंट देख लेंगे। प्रोस्टोग्लैंडिन आर सिंथेस्ड फ्रॉम वन ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड एल्कोहल एसिड
विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. इन द फीमेल दिस आर आइडेंटिफाई इन आइडेंटिफाई इन द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. एंडोमेट्रियम डिसाइड्यू एमनियोटिक मेम्ब्रेन है ना. प्रिपरेशन टेबलेट टेबलेट होती है 0.5 mg की. पी जी ई टू प्रोस्टीन ई टू डीनो प्रोस्टोन है ना जेल होता है 0.5 mg. ई टू इन 2.5 ml जेल कम इन प्री लोडेड सिरिंज है ना. पी जी एफ टू अल्फा प्रोस्टीन एफ टू अल्फा डीनो प्रोस्टोडीन इंजेक्शन होता है 125 एंड 250 mg का. पी जी ई है ना वन मीजोप्रोस्टोल होती है टेबलेट होती है 100 mg 200 mg 600 mg. बहुत ऑफ पी जी ई टू एंड पी जी एफ टू अल्फा हैव एंड ऑक्सोटोसिस इफेक्ट ऑन द प्रेगनेंट यूटेरस. दे आल्सो सिंथेस द मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन है ना. पी जी एफ टू अल्फा एक्ट प्रोडोमिनेटली ऑन द मायोमेट्रियम वाइल पी जी ई टू एक्ट मेनली ऑन द सर्विक्स. इंडिकेशन देख लेते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड एक्सपल्शन ऑफ हाइड्रेटी फॉर्म मॉल फॉर इंडिकेशन ऑफ लेवर इन आईयूडी ऑफ फीटर इंट्रायूटराइन डेथ ऑफ फीटर फीटस सॉरी है ना. इन जजमेंटेशन देख लेते हैं एसोलोबरेशन ऑफ लेवर टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द ओपन यूटराइन सिनोसिस एज इन रिफ्रैक्टरी केसेस ऑफ एक्टोनिक पीपीएच सर्वाइकल रिपेनिंग देख लेंगे. कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेंगे हाइपर सेंसिविटी यूटराइन फाइब्रोडिस सर्वाइकल स्टेनोसिस और पीडी है ना. देन साइड इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं. हेडेक होगा डिजीनेस होगा हाइपरटेंशन होगा लेग क्रैम्प्स होंगे जॉइंट स्वेलिंग होगी. डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं. टेबलेट कंटेंट में होती है 0.5 mg प्रोस्टीन ई टू है ना. वजाइनल सपोजिटरी होती है कंटेंट 20 mg का पी जी ई टू और 550 mg पी जी एफ टू अल्फा. वजाइनल पेससरी 3 mg पी जी ई टू होता है इंजेक्टेबल होता है. एम्पूल वायल प्रोस्टीन ई टू 1 mg 1 ml प्रोस्टीन एफ टू अल्फा होता है. 5 mg/ml मीजोप्रोस्टोल 50 mg गिवन बाय 4 ओवरली बाय ओरल वजाइनल रेक्टल रूट फॉर इंडक्शन ऑफ लेवर है ना. मीजोप्रोस्टोल टेबलेट को गिवन अपन 4 ओवरली ओरल भी दे सकते हैं वजाइनल भी दे सकते हैं और रेक्टली भी दे सकते हैं. नर्सिंग कंसिडरेशन देखेंगे असेस द आर आर रिथम एंड डीप्थ वजाइनल डिस्चार्ज इचिंग इरिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंटीमेटिक एंटी डायरियल प्रिपरेशन प्रियर और टू गिव दिस ड्रग हाई वजाइनल आफ्टर वार्निंग द सपोजिटरी बाय रनिंग वार्म वाटर ओवर पैकेज इवैल्यूएट पेशेंट फॉर लेंथ ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्शन नोटिफाई फिजिशियन एंड कॉन्ट्रा लास्टिंग ओवर 1 minute और अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फीवर एंड चिल्स एडवर्स पेशेंट टू रिमेन सुपाइन फॉर 10 to 15 minutes आफ्टर वजाइनल इंसर्ट है ना. 10 to 15 minutes एंटी कोगुलेंट देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट
वन एम्पोल में 2 ml कंटेंट होता है, 1 mg SO4 है ना, टेबलेट में 64 mg होती है, डिक्रीज एसिटिलकोलाइन इन इन मोटर नर्व टर्मिनल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीकॉगुलेंस प्रॉपर्टीज, दे आर रिड्यूसिंग न्यूरो मसल्स इन इरिटेबिलिटी, इट आल्सो डिक्रीज इंट्राकेनियल एडिमा, हेल्प टू डायरोसिस, इट पेरिफेरल वैसोडायलेटर इफेक्ट, इम्प्रूव द यूटेराइन ब्लड सप्लाई, हैज डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द यूटेराइन मसल्स इन एंड CNS इंडिकेशन देख लेते, इट इज वॉल्युबल ड्रग लोविंग सीजर थ्रेशोल्ड इन वुमेन विथ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यूज इन प्रीटर्म लेवर डिक्रीज यूटेराइन एक्टिविटी, कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं, हार्ट ब्लॉक हो सकता है ना, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन प्रेगनेंट वुमेन एक्टिवली प्रोग्नोसिस लेवर, एडवांस देख लेते हैं, मेटरनल सीवियर CNS डिप्रेशन, एविडेंस ऑफ मसल्स प्रेसिस फेटल टैकीकार्डिया हाइपोग्लाइसेमिया, डोज और रूट एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी, फॉर कंट्रोल सीजर 20 ml 20% सॉल्यूशन IV स्लोली इन इन 3 to 4 minutes टू फॉलोइंग इमिडिएटली बाय 10 ml ऑफ 50% सॉल्यूशन IM कंटिन्यूटी फॉर ओवरली टिल 24 hours पोस्टपार्टम, रिपीटेड इंजेक्शन आर गिवन ओनली नी जार जक्स आर प्रेजेंट, यूरिन आउटपुट एग्जिट्स 100 ml फॉर ओवरली एस्पायरेशन आर मोर देन 10 minutes, द थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ सीरम मैग्नीशियम 4 to 7 mEq/L है ना, ठीक है, 4 mg IV स्लोली ओवर 10 मिनट्स फॉलोविंग बाय 2 mg पर ओवर है ना, एंड देन 1 mg पर ओवर इन ड्रिप 5% डक्सोस टोकोलाइटिक इफेक्ट है ना, नर्सिंग कंसिड्रेशन देखेंगे, असिसिंग पेशेंट वाइटल साइन 15 मिनट्स आफ्टर IV डोज, डू नॉट एग्जिटिंग 150 mg, मोनिटर मैग्नीशियम लेवल यूज ड्यूरिंग लेबर, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिटरमाइन इंटेंसिटी, यूटराइन यूरिन आउटपुट शुड बी रिमेन 30 ml पर ओवर मोर दे मोर इफ लेस नोटिफाई फिजिशियन है ना, अगर इससे कम होता है तो अपन फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, एग्जामिन पेशेंट रिफ्लेक्स नी जार पेटलर रिफ्लेक्स है ना, एडमिनिस्ट्रेस 5th point देखेंगे, एडमिनिस्टर ओनली आफ्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट इज अवेलेबल फॉर द ट्रीटिंग मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है ना, 6th point देखेंगे, यूजिंग इन्फ्यूजन पंप मॉनिटर केयरफुली IV एट लेस देन 150 मिनट्स सर्कुलेटरी कोलैप्स मैनी अकर, प्रोवाइड सीजर प्रिकुलेशन प्लेस क्लाइंट इन सिंगल रूम विथ डिक्रीज स्टिमुली पेडेड साइड रेल्स है ना, देन नेक्स्ट पॉइंट देखें, पोजिशनिंग ऑफ क्लाइंट इन लेफ्ट लेटरल रेक्यूबेंट पोजिशन टू डिक्रीज हाइपर टेंशन एंड डिक्रीज रीनल फ्लो, इवालुएट पेशेंट मेंटल स्टेट सिनोरियम सेंसोरम मेमोरी रेस्पायरेटरी स्टेट्स रिफ्लेक्स, डिसकंटिन्यू इन्फ्यूजन इफ रेस्पायरेशन आर बिलोंग 20 मिनट्स, रिफ्लेक्स सिवियरली हाइपोटोनिक, यूरिन आउटपुट बिलोंग 30 ml पर आवर और इन द इवेंट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन लेथर्जी फीटल डिस्ट्रेस, एनाल्जेसिक देखेंगे है ना, वेलोमेथमेट ब्रोमाइड है ना, हिपोडोसिन है ना, सर्विक्स सर्वाइकल स्पास्मोलाइटिक
है ना, प्रिपरेशन 1 एम पुल में 8 mg होता है ना HML में है ना। एक्शन देखेंगे, इट बोथ सेंटर एंड पेरिफेरल एंटी मस्कुलिनिक एजेंट विच इज ए कंपेटेटिव इनिबिटर ऑफ एसिटोक्लाइन एट द मस्केरेनिक रिसेप्टर होता है ना इंडिकेशन देखेंगे इसमें, सर्वाइकल डायलिटेशन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेवर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ जीआई ट्रैक एंड यूटरिक कॉलिक है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे इसमें, पैरालिटिक इल्यूस मेथ मायस्थेमिया ग्रीव्स हाइपरटेंशन अल्सरेटिव कोलिटिस क्लोज एंजल ग्लूकोमा सीवीएस डिसऑर्डर हो सकता है ना। एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, ड्राइनेस ऑफ मूथ थर्ड्स थीस्ट एंड डाइल्यूटेशन ऑफ पीपिल पीपल का डाइल्यूटेशन देखेंगे है ना, पाल्पेशन करेंगे एंड जेडिनेस देखेंगे। डोज और रूट देख लेते हैं इसकी, 8 mg डीप IM देते हैं, मैं बी रिपीटेड आफ्टर 4 आवर एंड इफ़ नेसेसरी। नर्सिंग कंसिडरेशन देख लेते हैं, एडवर्स पेशेंट रिपोर्ट द एनी ब्लरेड विजन ब्लरेड विजन जिडीनेस ड्राई माउथ इमिडिएटली। एडवर्स पेशेंट गेट टू अप फ्रॉम द बेड केयरफुली एंड स्लो। थ्रेमाडोल दे हाइड्रोक्लोराइड देखते हैं, 1 ml में 1 ampoule में 50 mg होता है, टेबलेट में 50, 100, 200 mg होती है। एक्शन देख लेते हैं इसका, बेंड टू ओपिनॉइड रिसेप्टर एंड इनिबिटर रिपटेक होता है, रिप्यूटेक ऑफ नोरा पेरिफेरिन होता है एंड सेरोटोनिन होता है ना। इंडिकेशन देख लेते हैं इसका, मॉडरेट मॉडरेटी सीवियर पेन सेफ गिविन ड्यूरिंग लेवर डोज कॉजेज डिप्रेशन टू है ना, नॉट डिप्रेशन फीटल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड हैंड सेफ ऑफ फॉर बेबी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग हाइपरटेंशन हेपेटिक इम्पेडमेंट इंक्रीज ICP एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, डिजीनेस एडेक मलेशिया मेलेस होता है, हाइपरटोनिया दे होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है। डोज और रूट एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, 50 mg 100 mg IM 6 ऑनली एस रिक्वेस्ट है ना। नर्सिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मोनिटर द पेशेंट CV एंड रेस्पिरेटरी स्टैंड, मोनिटर पेशेंट टू रिस्क फॉर सीजर, मोनिटरिंग ब्लो एंड ब्लाडर फंक्शन, कोगुलेटिंग देख लेंगे विटामिन के है ना, कोगुलेंट देख लेंगे। एट द बर्थ न्यू बॉर्न डज नॉट हैव बैक्टीरिया इन द कॉलोन एंड नेसेसरी सिंथेसाइजिंग फैट सोलेबल विटामिन के फैट सोलेबल होता है, देयर फॉर न्यू बॉर्न हैव बिन डिक्रीज लेवल प्रोथोबिन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 8 days। इंजेक्टेबल 2 ml होती है, वायल 2 mg HML में होता है। एक्शन देख लेते हैं, इट प्रमोटिंग दिस हेप्टिक फॉर्मेशन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर आई है ना, सेकेंड फोर्थ है ना। एंड इंडिकेशन देख लेते हैं इसका, इंडिकेशन इट यूज टू ट्रीट प्रिवेंट क्रिएटिन ब्लीडिंग प्रॉब्लम है ना, ब्लीडिंग प्रॉब्लम। और सेकेंड देख लेते हैं, हेल्प लीवर प्रोड्यूस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसमें। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, पेन इन एडिमा में अकर इंजेक्शन साइट एलर्जी रिएक्शन स्विच रेस यूट्रिशियल मैनी अकर। हाइपरब्लोरूबिन देख लेते हैं, डोज देख लेते हैं, रूट देख लेते हैं इसकी, 0.5 mg IM देते हैं 1 आवर ऑफ बर्थ।
नर्सिंग कंसिडरेशन देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेड गिविन द मेडिकेशन, न्यूबॉर्न प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल ड्यूलिंग, ऑब्जर्व ब्लीडिंग यूजिंग अकर द सेकेंड और थर्ड डे, है ना, ऑब्जर्व फॉर जॉइंटिस, ऑब्जर्व फॉर लोकल इन्फ्लामेशन, है ना, ड्रग गिवन टू पेरिनियम पेरिपिरेनम, है ना, हर द ड्रग गिवन द ड्यूरिंग पेरिपिरेनम आर आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, एसिटोनोफेन, पैरासीटामोल, है ना, लैक्टेशन सप्लीमेंट, इन केसेस द स्टिल बर्थ, न्यूनेटल डेथ, ब्रेस्ट अपसेस ऑफ सीवियर डिस, है ना, साइकेट्रिक इलनेस, एसिटोनोफेन में देख लेते पैरासीटामोल, है ना, टेबलेट 80 mg, 160 mg और 500 mg सपोर्टिव, जेट ट्री में देख लेते 80 और 120 में, ओरल में देख लेते 16 mg, है ना, mg पर के जी पर एम एल, 80 mg पर mg पर के जी होते हैं, है ना, एक्शन देख लेते हैं, प्रोड्यूसिंग एनाल्जेसिया इनिबिटर, प्रोस्टोडेंडिंस आर एंड अदर सब्सटेंस, द सेंस्टिजन जस पेन रिलीफ, है ना, इंडिकेशन देख लेते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट पेन एंड फीवर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, लीवर डिसीज, हाइपर सेंसिविटी, एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, न्यूट्रोपेनिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, है ना, हेमोलाइटिक एनीमिया, और उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया, यूट्रिकेरिया देख लेते हैं, डोज एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, 500 mg की टेबलेट होती है, थ्री डे फोर एंड फाइव डेज, है ना, नर्सिंग कंसिडरेशन देख लेते हैं, है ना, है ना, 500 mg की थ्री इज एक दिन में 3 बार दे सकते हैं और 5 डेज तक, है ना, नर्सिंग कंसिडरेशन, एडवाइज द पेशेंट नॉट एग्जिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड डोज, एडवाइज द पेशेंट हार्ट ड्रग इट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म यूज, अवॉइड टेकिंग OTC ड्रग, है ना, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एडवाइस पेशेंट, है ना, और नेक्स्ट देखते हैं, एडवाइस पेशेंट टू टेक टेबल आफ्टर मील्स टू प्रिवेंट एन GI सिस्टम, लैक्टेशन सप्लीमेंट में देख लेते हैं, प्रिपेशन टेबलेट 0.8 mg, 2.5 mg, एक्शन क्या होता है, इट ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ ए प्रोलैक्टिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, इंडिकेशन देख लेते हैं, इसमें सस्पेंशन ऑफ लैक्टिंग प्रेगनेंसी विथ प्रोलैक्टिनोमा, इनफर्टिलिटी, एनोरोमिया हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, डिजीनेस, देन सॉरी, है ना, डिजीनेस, लाइटनेस, स्पेशली व्हेन गेटिंग अप फ्रॉम लाइनिंग पोजिशन, कन्फ्यूजन, हेल्यूनेशन, हाइपरटेंशन, सीजर, मायोकार्डिया इन्फेक्शन हो सकता है, है ना, डोज और रूट्स देख लेते हैं, 2.5 mg की टेबलेट होती है, ओरल वंस इन ए डे दे सकते हैं, नर्सिंग कंसिडरेशन देख लें, मॉनिटरिंग द एडवर्स रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन तो नहीं हो रहा कुछ, देने के बाद मॉनिटर करेंगे, है ना, ड्रग मेन लीड टू अर्ली पोस्टपार्टम कॉन्सेप्शन आफ्टर मेसेस रिज्यूम्स टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी एवरी फोर वीक्स एस नून एस पीरियड मिसेड, है ना, असेस द ऑर्थोस्टेटिक्स वाइटल साइन बिफोर द इंटेंशन ऑफ द थेरेपी, इंस्ट्रक्शन द पेशेंट टू टेक ड्रग मील्स, जा रहा हूँ, इफेक्ट्स ऑफ मेटरनल मेडिकेशन ऑन फीटस ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स देखेंगे, है ना, ड्यूरिंग अर्ली एम्बोजेनिसिस द ड्रग टेक बाय द मदर रीच कॉन्सेप्शन थ्रू द ट्यूबल यूटराइन सिक्रेशन बाय द डिफ्यूजन, द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ब्लास्टोसाइट्स
इज यूजली डेथ इन केस ऑफ सर्वाइव देयर इज चांस कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, है ना। फ्रॉम 2 to 12 वीक पीरियड ऑर्गेनाइजेशन ड्रग कैन बी कॉजेज सीरियस डैमेज ग्रोस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड इवन डेथ द फीटस मैन रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन रूट लेंथ और टाइम डोज एक्सपोज, है ना। फिर तो मैं देखेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर ट्रांसफर ड्यूरिंग टेक प्लेस थ्रू द यूट्रो प्लासेंटा सर्कुलेशन ड्यू टू लोअरेड सीरम एब्लोमिन कॉन्सेंट्रेशन विच रिजल्ट फ्रॉम हिमो डाइल्यूशन, है ना। सिक्स पॉइंट देखेंगे द एज द एब्लोमाइन बेनिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्रग इन डिक्रीज मोर फीडिंग अवेलेबल प्लासेंटा ट्रांसफ्यूजन द मेटाबोलिज्म ऑफ द ड्रग मैनी भी। इसमें देख लेते हैं अपन ये चीज़ होती है प्लाज्मा एस्टेरॉइड मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं, है ना। इंक्रीज यूट्रो प्लासेंटा ब्लड फ्लो हो सकता है, इंक्रीज प्लासेंटा सरफेस एरिया, डिक्रीज थिकनेस प्लासेंटा मेम्ब्रेन, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट होती हैं, है ना, है ना। देन मेटरनल मेडिकेशन ये देख लेते हैं, मेटरनल मेडिकेशन विथ स्टेबलाइज्ड टेट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज एंड देयर इफेक्ट। साइटोटॉक्सिक ड्रग क्या होते हैं, मल्टीपल फीटल मालफॉर्मेशन अबॉर्शन, है ना। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड में हाइड्रोप्रोक्साइड प्रोस्टोजोन, है ना। लिथियम देख लेते हैं, इंक्रीज कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन व्हेन द यूज टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर न्यूनेटल गोइट्री। हाइपोटोनिया साइनोसिस देख लेते हैं, ब्लिक साइनोसिस में क्या होता है, ब्लूइश स्किन हो जाती है ना। देन डेडली वजाइना स्टेनोसिस सर्वाइकल ये हो सकता है, हाइपोप्लेजिया हो सकता है फीमेल फीटस में। मेटरनल ड्रिंक ड्रग टेक ब्रेस्ट फीडिंग, मेटरनल ड्रग इंटेक नर्सिंग मदर हैव एडवाइस, क्या क्या एडवाइस करेंगे अपन, है ना, है ना। लेक्टिंग आल्सो बेबीज, बच्चा दूध पिएगा तो ट्रांसफर द ड्रग थ्रू मिल्क डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, है ना। क्या क्या फैक्टर है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल वेट, डिग्री प्रोटीन ब्लेंडिंग, लोनिक डिस्कशन, लिपिड सोल्यूबिलिटी, टिश्यू पीएच, ड्रग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपोज टाइम, ड्रग आइडेंटिफाई। नेक्स्ट अपन देखेंगे ड्रग आइडेंटिफाई हैव इफेक्ट लेक्शन द न्यूनेट्स आर लिस्ट ब्लू, ब्रोमाइड रेसेस हो सकते हैं, पुअर फीडिंग हो सकती है, लोडिस में न्यूनेटल हाइपरथायरायडिज्म हो सकता है, क्लोरोफेनम इसमें बोन मैरो टॉक्सिक हो सकती है, ओरल पिल्स में सस्पेंशन ऑफ लेक्टिन, ब्रोमोप्रोप्टीन में सस्पेंशन ऑफ लेक्टिन, एनोरेक्सिया ब्लड वीकनेस हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर हो सकता है मेट्रोनिडाजोल में, है ना। एंटीकोगुलेटिंग ड्रग में देख लेते अपन हेमरेज, टेंडनेस, आइसोनेजाइड, डीएनए एक्टिविटी, है ना, एंड हाइपोथायरायडिज्म एंड डाइजीपाम और ये सब हो सकता है ना। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे इसमें। थैंक यू टू ऑल।